الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين انتہائی احترام و عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ اور اپنے دست اقدس سے اپنے غلاموں کی جھولیاں بھرنے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانۂ درود و سلام پیش کرنے کی برکت و سعادت حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رات کافی ڈھل چکی ہے اور اس ڈھلتی ہوئی رات میں موسم کب رنگ بدلے اس اندیشے سے بے پرواہ ہو کر اگر آپ سبوں کو کسی چیز نے باندھ رکھا ہے تو وہ نام رضا ہے. خانوادہ سرکار اعلی حضرت کے نمائندوں سے معمور یہ اسٹیج اور خود رضا کا دیار, اس سے بڑھ کر اور کشش کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسے آپ عام جلسوں کی طرح سے لیتے ہیں. اس جلسے کو بھی میں زیارت گاہ سمجھتا ہوں. عرصے کے بعد جب میرے مخدوم ابن مخدوم برادر مکرم شہزادہ ریحان ملت حضرت عثمان رضا خان انجم میاں نے یوم رضا کے جشن کے اہتمام کا آغاز کیا تھا تو وقفے کے بعد آغاز کے چند اجلاس میں میری شرکت ہوئی. یہ ان کی جانب سے وہ پہل تھی میری اپنی جانب. اب پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ رضا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں ان تاریخوں میں
योम रजा का एहतमाम किया जाता है। तो अगर मैं कहूं तो क्या गलत होगा कि हमने जो तर्ज फोगा की थी कफस, कफस में ईजाद, हमने जो तर्ज फोगा की थी कफस में ईजाद, अब तो गुलशन में वही तर्ज अदा ठहर। हर जगह रजा का जश्न, हर जगह योम रजा। आज उसी तहरीक की शक्ल रखने वाले इजलास में हम आपके रूबरू हैं और मेरी बरेली शरीफ में हाजिरी तकरीर के लिए होती ही नहीं है, इस्तेफादे के लिए। बारगाहे रजा से कुछ पाने के लिए होती और शायद आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैं वैसा तकरीर करने वाला होता तो खड़े होकर तकरीर करता, कुर्सी पे बैठकर तकरीर करता। मेरा तारुफ तो दरसगाह के एक खादिम की शहजादे ने कराया, दारुल उलूम फैजुर रसूल बराऊ शरीफ के एक खादिम। मैं दो मिनट बराऊ शरीफ के दारुल उलूम को मादरे इल्मी कहकर शहजादे रेहाने मिल्लत ने बराऊ शरीफ के फैजुर रसूल का जिक्र किया और मादरे इल्मी कहकर। तो मुनाजिर साहब मुझे एक शेर याद, अपना जो कह के आज उन्होंने बुला लिया, अपना जो कह के आज उन्होंने बुला लिया, मेरा मिजाज और भी शाहाना हो गया। वाह वाह वाह, एक आदमी ने सुभान अल्लाह का ठेका ले रखा है। मैं तो मायूसी हुआ जा रहा कि जब नारा लगाया हमारे नाज़िमे इजलास, कितनी नस्तालियत उनकी निजामत होती है, कल्ला व कल। वरना कई बार तो समझ में नहीं ये आता कि नाज़िमे इजलास ने ज्यादा वक्त लिया या खतीब। अपना जो कह के आज उन्होंने बुला लिया, मेरा मिजाज और भी शाहाना हो गया। अगर आप साथ देंगे तो चंद मिनट, उसके बाद तो आपको खुतबा की तकरीरों से फैजयाब होना है। मैं अपने सरकारे आला जो मेरे अपने ही नहीं हैं, आपके भी। अरे हाथ उठा के कह दो अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यही के लोगों ही के नहीं है, वफादारों के आला हजरत, मोहब्बत करने वालों के आला हजरत, नबी के गुलामों के आला हजरत, ख्वाजा के दीवानों के आला हजरत, गौस के शैदाइयों के आला हजरत, सच्चे पक्के मुसलमानों के आला हजरत। किसी एक के थोड़ी ना। तो उनके अब इस ढलती हुई रात में पता नहीं, उसका पढ़ना बहसियत मुकर्रर के मुनासिब होगा कि नहीं, मगर फैज पाने के जज्बे की बुनियाद पर मैं कहता हूं कि उनके अशआर ईमान में तवानाई का सरचश्मा। मिल के खासे किबरिया, मिल के खासे किबरिया हो, मालिक हर माँ सेवा। मिल के खासे किबरिया हो, मालिक हर माँ सेवा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक, हम बदों को भी निभाओ। और
ये दरसगाही शेर है, लेकिन इमाम अहमद रजा के एक गोशे पर शहजादे खानवादे आला हजरत हजरत अरसलान मियां सल्लमहु ने रोशनी डाली। एक गोशे पर मादहाए तारीखी को खास तौर से उन्होंने फोकस किया। मैं अपने महदूद मुताले की बुनियाद पर अगर कहूं तो इमाम अहमद रजा हकाइको मालूमात का जहाने हैरत है। जिस अरे जितने उलूमो फुनून पर उन्होंने किताबें लिखी उनका नाम अगर मैं जिक्र कर दूं तो 15 मिनट, मैंने कहा था 15 मिनट लग जाएंगे। तकरीबन 54 उलूम फुनून पर जिसने इल्म इरफान के दरिया बहाए उस अबकरी और जीनियस का नाम इमाम अहमद रजा है। माजी की तारीख में 300 साल सन्नाटे की तारीख है, ऐसा कोई राइटर नहीं, उलूमो मारिफ का ऐसा कोई जामे नहीं जैसा बरेली शहर में अल्लामा नकी अली खां के घर, अल्लामा रजा अली खां के घर पैदा होने वाला वो बच्चा जो अहमद की रजा, जिसने वो करके दिखाया जो एकेडमिया नहीं कर सकती, जो दारुल मारिफ नहीं कर सकते हैं, उसने वो करके दिखाया। और जब कहीं मालूमात की महदूदियत के माहौल में कोई आवाज़ बुलंद होता है तो जुबान पर यही शेर होता है कि जिसने रोशन कर दिया था इल्म और इरफा का चिराग, फिर जमाने को वही अहमद रजा दरकार। ये रजा का शहर है, ये हुज्जतुल इस्लाम का शहर है, ये मुफ्ती आजम का शहर है, ये आबरूए मरकज अहले सुन्नत व आबरूए अहले सुन्नत ताजु शरिया का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जुबानी जमा खर्च करने वाला नहीं कि बरेली के स्टेज पर आया तो उस खानवादे का खुतबा पढ़ूं। मेरा पूरा घराना, मैं कई बार हजरत सोचता हूं कि मदारिस की इस भीड़ में हजरत रहमानी मियां ने अपने शहजादों की तालीम के लिए बराऊ शरीफ का इंतखाब किया। हजरत सुबहानी मियां को भेजा, हजरत अंजुम मियां को भेजा, हजरत तस्लीम मियां को भेजा, हजरत तौसीफ मियां को भेजा, इन शहजादों को भेजा। और मैं हजरत एक बात यही स्टंप और आ गया, क्या बराव शरीफ और बरेली शरीफ में कोई अलाहिदगी है? मैं अपने फैजुर रसूल की एक तारीख, मेरे वालिदे गिरामी के मुर्शिदे इजाजत हजरत सैयदना शाह अब्दुल लतीफ अलैहि रहमा जो बरेली शरीफ भी हाजिर हुआ करते थे, आला हजरत के मुआसिर, आला हजरत के मुहिब भी, आला हजरत उनसे बेपनाह मोहब्बत भी फरमाते थे और आला हजरत के फलसफे इश्क के ऐसे मुती और ताबे थे कि जब उनके खुद साख्ता मुबैना मुरीद की बदमजहबियत जाहिर हुई तो इमाम अहमद रजा की इत्तला पर फिर खाम सराय के मौलवी यासीन गुलाम यासीन के यहाँ कयाम करना तो क्या उससे सलाम करना भी गवारा नहीं किया। उनके उन्होंने ख्वाब देखा बराउ शरीफ की खानकाह के एक हिस्से में मेरे मुर्शिद इजाजत हजरत शाह अब्दुल लतीफ अलैहि रहमतुल्लाह और मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा जुबा पे बारे इलाह ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी जबां के।
दोनों बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ तलबा और हजरत शाह अब्दुल लतीफ ने कहा कि हजरत आप इन बच्चों को कुछ पढ़ा करके यहाँ तालीम ख्वाब से बेदार हुए तो मेरे वालिद गिरामी शुएबुल औलिया ने कहा कि मुझे ख्वाब में इशारा एक मदरसे के कयाम का हो रहा है। दुनिया ने तो समझा कि शुएबुल औलिया का ये मदरसा है, मगर ख्वाब की गहराइयों में जब जाओ तो पता चलता है कि ये आला हजरत का मदरसा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मंजरे इस्लाम में भेजें ये भी आला हजरत का मदरसा, फैजुर रसूल में भेजें ये भी आला हजरत का मदरसा। और मैं तो ये कहता हूँ कि सारी खानकाहों पर आला हजरत का एहसान, सारे मदरसों पर आला हजरत का एहसान। कोई आला हजरत की इस नसीहत को जो आला हजरत ने अपनी वसीयत में किया था कोई माने ना माने, मगर बराऊ शरीफ के एक आला हजरत के दीवाने ने अपनी खानकाह को वक्फ किया तो ये नहीं कहा कि मैं इसे मुसलमानों के नाम वक्फ करता हूँ, मैं इसे मुसलमाना ने हम अकीदा इमाम अहमद रजा की मिल्कियत करार देता हूं। तो इसलिए उसका इंतखाब हो रहा है, ये वो सिलसिला है। और आज जब शहजादे गिरामी हजरत अरसलान मियां ने अपनी बसीरत, भाई मैं तो दरसगाह का आदमी हूं बुनियादी तौर पर, मैं उन तकरीरों को ज्यादा समझ भी नहीं पाता जो स्टाइलिस्ट होती है, लेकिन इन तकरीरों के बारे में और उन खिताबात के बारे में एक छोटे मोटे स्कॉलर की हैसियत से मजहबी मैं ये कह सकता हूं कि रफ्ता रफ्ता तेरी रफ्तार कयामत होगी। मैं मुबारकबाद देता हूं हजरत अंजुम मियां को कि इस घराने की जो इल्मी विरासत है, इस मामले में मैं आपका साथ नहीं दूंगा, जो आपने कहा कि ये किस्ब है और मुबालगा, साफा इमाम अहमद रजा की, फकत साफा इमाम अहमद रजा की विरासत नहीं, अबा फकत इमाम अहमद रजा की विरासत नहीं, इमाम अहमद रजा की विरासत उनका इल्म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनका पाये तहकीक है, उनकी फकाहत है, उनकी शाने तफसीर है। कलीलुल बजात फिल हदीस कहने वालों पर इमाम अहमद रजा की तहकीकात अनीका इल्म हदीस में एक तमाचा है। इमाम अहमद रजा जैसा मुहदिस, इमाम अहमद रजा जैसा मुफस्सिर, इमाम अहमद रजा जैसा फकीह, इमाम अहमद रजा जैसा फैलसूफ, इमाम अहमद रजा जैसा मंतिकी, इमाम अहमद रजा जैसा माहिर फुनून अगर 300 साल के अरसे में तराश किया जाए तो इमाम अहमद रजा का कोई सानी और ये ओरिजिनल तो बात वो इल्मी शेयर आ रहा था, लेकिन मैं कह दूं हजरत उलमा तो स्टेज पर हैं, सब तुम्हारी ही खबर थे। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुक्तदा हो और कबले जिक्र इजमार क्या जब रुतबा साबिक आपका हो, वो कलश रोजे का चमका सर झुकाओ कच कुला हो, वो दरे दौलत पे आए झोलियां फैलाओ। जिंदगी भर इमाम अहमद रजा अपने आका के लिए रतबुल्ला,
जानते हो क्या एजाज मिला? इमाम अहमद रजा की शख्सियत का ये मामूली हिस्सा है, उनका इल्मी जाहो जलाल बहुत छोटा सा हिस्सा है। इमाम अहमद रजा की शख्सियत का कमाल तो ये था कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, ऐसा मुसलमान कि इस्लाम भी जिस मुसलमान के इस्लाम पर नाज़ है। कैसा मुसलमान? 2425 सफर की बात। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं इसमें आपके साथ नहीं हूँ, नज़्म इजलास के साथ। अब आपसे मैं डिबेट ना हो, लेकिन वही मैं कह रहा था कि उनकी इल्मियत, उनकी तहकीक, उनका फिक्र रसा, यही तो इमाम अहमद रजा की पहचान। अली मियां बाप बेटे दोनों मजबूर हो गए आला हजरत के बारे में ये कहने पर, फाका अकरान हो अपने मुआसरीन में वो फाइक। ये वो हकीकत है, वो चढ़ता हुआ सूरज है जो अपनी अजमत को दुश्मनों से नहीं। लेकिन मेरे आला हजरत का सबसे बड़ा कमाल तो ये है कि वह आशिक रसूल ही नहीं थे, सरापा इश्क थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नारा लगाता है आशिक रसूल आला हजरत? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत का नारा आशिके आशिके रसूल की हैसियत से उनके इश्क की सही ताबीर कर ही नहीं पाता, इसलिए एतराफ की जुबान में पूरी दुनिया सुन्नियत इमाम अहमद रजा को आशिक नहीं कहती, बल्कि सरापा इश्क रसूल कहती है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला तो जब इस तरह कोई मुसलमान दुनिया से जाता है ऐसा आशिक, तो वो बारगाह रसूल का मकबूल ही नहीं होता। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, वो बारगाह रसूल का मकबूल ही नहीं होता, बल्कि मुंतजर बारगाह रसूल होता। बारगाह रसूल में उसका इंतजार होता होता। 25 सफर पर, 2:38 पर इमाम अहमद रजा का विसाल। मरते तो वो लोग हैं, यहां तो विसाल हो रहा है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे है उस गुल से मुलाकात। और मुलाकात का तसव्वुर अगर इतना यकीनी ना होता तो आपने हजरत अरसलान मियां से कि वसीयत में आला हजरत ने अपनी कब्र पाक के बारे में क्या फरमाया, इतनी ऊंची कब्र। मैं खुद सलाम पढ़ूं अपने सारे फॉलोअर्स और सारे मुतबीन से कहूं कि जब जब नबी का जिक्र हो तो इख्तिताम मजलिस पर खड़े होकर इस तसव्वुर के साथ सलाम पढ़ना कि उस बड़ी अजमतों वाले रसूल की आमद आमद का जिक्र हो रहा है तो बैठकर उन्हें ना याद किया जाए बल्कि एहतराम में खड़े हो जाया जाए। और जब मुस्तफा खुद ही आ जाए, मुस्तफा की तस्वीर सामने दिखाई पड़े, कोई दीवाना बैठ सकता है? अरे कोई देवबंद का
ना हंजार तो बैठ सकता है, मगर बरेली का इमाम अहमद रजा कैसे बैठ सकता है, जिसने खड़े होकर दुनिया को रसूल की अजमतों का दर्द सिखलाया हो। तो जानते हो उनका इंतजार कहां हो रहा था? नबी की बारगाह में हो रहा था। ऐसी मकबूलियत देखी है किसी की? मकबूल होना भी कम, आशिक होना भी कमाल की बात, मकबूल होना उससे ज्यादा कमाल की बात है, और मुंतजर होना उससे भी ज्यादा कमाल की बात है। अजमेर में कोई साहब पहुंचे और कहा हमें बरेली का पता चाहिए। कहा आप शाम के रहने वाले, आपको बरेली का पता चाहिए? कहा मुझे मौलाना अहमद रजा से मिलना है। आपने उनको कैसे जाना? हमने शाम में उनको नहीं जाना, हमने अहमद रजा को मदीने में जाना। उस इमाम अहमद रजा को मदीने में जाना जो रहते तो बरेली में भारत में, और हर वक्त तड़पते रहते थे जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान। कहा आपने मदीने से उनको जाना? कहा हां, मैं सरकार के मुआजहे शरीफ मौजूद था और मेरी आंख लग गई और सोया क्या किस्मत का दरवाजा खुला। देखा कि रसूल पाक की महफिल पाक है, सरकार तशरीफ फरमा है, महफिल में गायते अदबो एहतराम में सुकूत और सन्नाटा तारी है। मैंने उसी आलम में पूछ लिया कि क्या यहां किसी का इंतजार हो रहा है? कहा हां, बरेली के अहमद रजा का इंतजार हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बरेली के अहमद रजा का इंतजार हो रहा है। आज उसी बरेली की आबरू को बचाया और उसकी तहरीक को आगे बढ़ाया आला हजरत के शहजादे सरकार हुज्जतुल इस्लाम, उसी इश्क ओ मोहब्बत की तहरीक को आगे बढ़ाया सरकार मुफ्ती आजम, उसी इश्क ओ मोहब्बत की तहरीक को बढ़ाया खानवादे आला हजरत, और आज मरकज़े अहले सुन्नत की आबरू बनकर और अहले सुन्नत की आबरू बनकर उसी तहरीके इश्क ओ मोहब्बत के अजीम दाई की हैसियत से पूरी दुनिया में पहचानी जाने वाली शख्सियत का नाम ताजे शरीयत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताला उनका साये करम सलामत रखे और उनकी तसनीफात और तहकीकात अनीका से अहले सुन्नत को मुस्तफीद फरमाए। मैं अपने पेशरो खतीब शहजादे बुलंद इकबाल मौलाना अरसलान रजा साहब का तारू बड़ा मुख्तसर हुआ था, मैंने तो बाज़ाब्ता उसको मुस्तनद कर सरकार मुफ्ती आजम हिंद और हुजूर शुएबुल औलिया की हयात बराउन शरीफ से जारी होने वाला फैजुर रसूल का आर्गन माहनामा फैजुर रसूल, जिसने बर्रे सगीर के जराइद और रसाइल में सबसे पहले ये इकदाम किया कि अपने फ्रंट पेज पर लिखा मजहब अहले सुन्नत का तर्जमान वो मसलक के रिजवियत का नकी। सरकार मुफ्ती आजम ने दुआओं से आज तो अपने को सुन्नी भी कहते हैं, और मेरे समझ में नहीं आता कि मसलक आला को एक दफा मसलक आला का फिर से नारा लगाओ। इश्क मोहब्बत
आला हजरत से जलने वाले हैं, ताजु शरिया से जलने वाले। तो अब शायर ने तो न आला हजरत का जिक्र किया था न किसी और का जिक्र किया था, उनने सबका काम तमाम कर दिया। सब अब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अभी कुछ ढेबरियां जलने वाले, अभी कुछ बची खुची हैं, वो भी गुल हो गए। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमा फरोज हो गई, और अहमद रजा की सबसे ज्यादा उजाला बिखेरने वाली शमा का नाम बरेली शरीफ में अगर है तो वो सात हजरत ताजु शरीफ है। इसको इस हकीकत को मानना पड़ेगा, ये हकीकत है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। रजा की फिक्र, रजा का इश्क, रजा का इल्म, रजा की तहकीक, रजा की गैरत, रजा की हमीयत को अगर एक किसी पैकर में जमा कर दिया जाए तो उस पैकर का नाम अख्तर रजा। इस हकीकत को मानना पड़ेगा, और ये ऐसी हकीकत कि जो पहले से मान ले तो अच्छा है, नहीं तो वक्त उनको मनवा दे, कौम उनको मनवा दे। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। हजरत की जखीम शरह और तस्नीफ अल फर्द फी शरह असीदतिल बुर्द, बड़ी जखीम और अपने तहकीक की बुनियाद पर वो किताब है कि अहले इल्म ही उसकी लताफतों से कमा हक़ महसूस हो सकते हैं। अपने तालिब इल्मी के जमाने में तकमील तो अब हुई अरसलान मियां की, इंशाअल्लाह दस्तारबंदी 22 मुहर्रमुल हराम को दारुल उलूम फैजुर रसूल बराउन शरीफ के सालाना जलसे दस्तारबंदी पूरे खानवादे रजा की अक्सरियत की मौजूदगी में मैं इन सभी हजरात को फर्दन फर्दन दावत दे रहा हूं, हजरत तस्लीम मियां साहब और सारे खानवादे के लोगों को, और इंशाअल्लाह यूं भी रस्मन भी दावतनामा सभी हजरात को पहुंचेगा, और वो जश्न बराउन शरीफ और बरेली शरीफ के लिए एक तारीखी जमाने तालिब इल्मी में इन हमाक रगबत देखी कि इन्होंने उर्दू में उसकी तशरीह और तर्जमा महनामा फैजुर रसूल में किस्तवार इनका मजमून शाये भी हो रहा है, और इंशाअल्लाह इनकी दस्तारबंदी के मौके पर वो एक किताबी शक्ल में उसकी पहली जिल्द का वहां रस्म इजरा भी होगा खानवादे रजा की मौजूदगी में उन्हीं की किसी मुख्तसर शक्ल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। खानवादे रजा के इन शहजादों को तो दावत पेशी ही कर रहा मैं, रजा के सभी चाहने वालों को उस जश्न में शिरकत की दावत देता हूं कि आप देखें कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। वादी आइए उस जश्न में और महसूस कीजिए कि वादी रजा का कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत जाइए वो इलाका। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वरना इमाम अहमद रजा पे तो मैंने इतना पढ़ा, इमाम अहमद रजा पे मैंने इतनी स्टडी की कि बगैर पीएचडी किए हुए भी अगर किसी को धोखा हो जाए माहिर रिजवियात होने का मेरे ऊपर,
तो सिर्फ धोखा ही नहीं होगा, ये हकीकत का इनेकास भी होगा। मैं ये चाहता हूँ कि बस रजा के मिशन के साथ जुड़ा और तकरीर की सर्टिफिकेट आप लोग क्या मुझे तो सनद मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने बचपन ही सुभान अल्लाह सन 1965 जब मैं बरेली शरीफ अपने वालिदे गिरामी शुएबुल औलिया के साथ हाजिर हुआ तो उर्स का प्रोग्राम सरकारे आला हजरत के मजारे पाक के ऊपर वाले हाल में हुआ। मैंने बचपने का जमाना था, मेरे उस्ताद खलीफे सरकार मुफ्ती आजम है। मुझे क्या पता था कि उसी बच्चे पर सरकार मुफ्ती आजम इतनी इनायत करेंगे कि कल अपनी गुलामी में लेकर बहुत सारी इजाजतों खिलाफतें अता करेंगे। लेकिन बचपने का जमाना था, इमाम अहमद रजा पर मैंने रद्द कर तकरीर की बचपना अरबी जुबान तो मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने उस जमाने में 1965 21 रुपए इनायत किए। मोदी चाहे जितना नोट बंद कर ले मगर वो नोट आज भी मेरे पास और इस अकीदत के साथ मेरे पास है कि जब तक हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की ये आता मेरे साथ रहेगी मैं इस मामले में दुनियादार का मोहताज नहीं रहूंगा। फतावा फैजुर रसूल उठाइए उसके इब्तदाई सफात में मेरा जो मजमून शाये होता है शुएबुल औलिया और इमाम अहमद रजा, मैंने इस वाकये को जिक्र करते हुए अपनी अकीदत का यह फैसला सुना दिया कि मैं दुनियादार का बाबे अमवाल में मोहताज नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने मुझे अता कर दिया। अल्लाह ताला और मैं तो चाहता हूँ कि मेरा पूरा घराना ही ऐसे ही रहे, आने वाली नस्लें भी ऐसे ही। आप अपने आला हजरत के उस वसीयत का पैगाम अपने घर वालों को सुना रहे थे। मेरे घर का भी एक बच्चा मेरे साथ आया, मेरा बेटा। हम लोग पीर घराने में अपने सिलसिले में वो बायत है, मगर आज हुजूर ताजु शरिया से मुलाकात के दौरान अचानक दिल में एक कुछ मेरे बड़े बेटे को तो ताजु शरिया ने अपनी इजाजत और खिलाफत देके गुलामी में लिया। मैंने कहा कि ये मुरीद है सिलसिले कादरिया यार अलविया में, लेकिन रजा के गुलामों की भी फहरिस्त में नाम हो जाए। हुजूर ताजु शरिया आप इसे अपने गुलाम बना हाथ पकड़ा और कमाले शफकत के साथ और बराओं और बरेली के ताल्लुक को और परवान चढ़ाते हुए सरकार ताजु शरिया ने मेरे बच्चे मोहम्मद शुएब को अपनी गुलामी में लिया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे मेरा घराना रजा का गुलाम था, ऐसे ही मेरी आने वाली नस्लें रजा के मिशन पर काम करती रहें। इसलिए कि रजा का मिशन मसलके आला हजरत और मसलके आला हजरत किसी नए दीन मजहब और फिरके का नाम नहीं है, बल्कि इस दौर में मजहब अहले सुन्नत की बावकार तरहदार वजाहत का नाम मसलके आला। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला इसके हामिलीन को सलामत रखे, इसके मानने वालों को सलामत रखे और उनको हिदायत दे जो नहीं समझ पाते हैं, वरना उनका अंजाम तो यही है कि गुल हो जाएंगे चिराग। अल्लाह ताला हमें रजा के साथ वाबस्ता रखे, रजा के मिशन के साथ वाबस्ता रखे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।